अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की सुसाइड केस में पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राहुल को आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 30 अक्टूबर तक की रिमांड की मांग की थी, लेकिन राहुल के वकील ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि 10 दिन की रिमांड का कोई उचित नहीं बनता है। कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताते हुए 4 दिन की रिमांड के लिए राहुल को भेज दिया गया है। क्या करना बताया था और आज जुडिशियल में पेश किया है और 30 तारीख तक का रिमांड मांगा था, जिसका हमने विरोध किया है कि वो कोई मर्डर का आरोपी नहीं है, कोई लूट का आरोपी नहीं है, उसे कोई आर्टिकल जब्त नहीं करना है, कोई अलाय कत्ल जब्त नहीं करना है, कोई लूट का माल जब्त नहीं करना है, जैसी स्थिति में कहीं बाहर भी नहीं जाना है, ऐसी स्थिति में 10 दिन का रिमांड देने का क्वेश्चन नहीं है। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को मानते हुए 24 तारीख के 3 बजे तक का रिमांड राहुल नवलानी का पुलिस को प्रदान किया। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पुलिस ऑनलाइन तरीके से उसकी पेशी करवाने वाली थी। हाँ, बिल्कुल 5:30 बजे तक आपके सामने आज टाइम हो रहा है, 5 बजे तक पुलिस उसको पेश नहीं करना चाह रही थी, इसी के माध्यम से पेश करना चाह रही थी। हमने न्यायालय से निवेदन किया कि ऐसी कोई विषम परिस्थिति इस प्रकरण में उत्पन्न नहीं है कि इसी के माध्यम से उसको पेश किया जाए, तब माननीय न्यायालय के आदेश से उसको व्यक्तिगत रूप से पेश करके और अभी पीआर प्रदान किया है। क्या कारण बताए जा रहे थे पुलिस के द्वारा ऑनलाइन तरीके से? ऐसा कोई लिखित उन्होंने प्रतिवेदन नहीं दिया, देरी भी नहीं थी, मौखिक रूप से वो बता रहे थे बाबूजी को, रीडर को आके, कि हम इसको वीसी से पेश करेंगे। माननीय न्यायालय सक्षम न्यायालय की अनुमति भी नहीं है। आपका नाम? राहुल पेठेड।